दोस्तों के की बड़ी जीत से मुंबई इंडियंस आईपीएल की रेस से हो गई पूरी तरह बाहर लेकिन इस जीत के बाद के को मिली बड़ी खुशखबरी जिसके बाद गौतम गंभीर भी पूरी तरह मुस्कुराने लगे लेकिन दोस्तों के की इस जीत से कई टीमों को पहुंच चुका है बड़ा झटका जैसे दिल्ली चेन्नई और लखनऊ समेत हैदराबाद को भी हो चुका है भारी नुकसान तो आई दोस्तों जानते हैं की के की इस जीत के बाद पॉइंट टेबल में क्या बड़े बदलाव हुए हैं किन टीमों को क्या फायदा पहुंचा है और दोस्तों कौन सी दो टीम अब आईपीएल की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं जहां दोस्तों आईपीएल के साठवें मुकाबले में के और मुंबई की टीम आमने सामने थी इन दोनों टीमों के बीच दोस्तों बारिश की वजह से ये मुकाबला काफी लेट चालू हुआ और दोस्तों ये मुकाबला केवल सोलह सोलह ओवरों का था जहाँ इस मैच में के ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक रन बनाए थे सात विकेट के नुकसान पर जिसके जवाब में मुंबई की टीम केवल और केवल एक रन बना पाई थी आठ विकेट के नुकसान पर और इस मैच को दोस्तों के की टीम ने रनों से जीत लिया था इस मैच में दोस्तों रोहित शर्मा ने बेहद ही खराब बल्लेबाजी करी थी उन्होंने चौबीस गेंदों में केवल रन बनाए थे और दोस्तों इस वजह से सब बोल रहे हैं कि उनकी धीमी बल्लेबाजी की वजह से मुंबई की टीम यह मुकाबला हारी हालांकि दोस्तों अब बात कर ले केकेआर की इस जीत के बाद पॉइंट टेबल में क्या बड़े बदलाव हो चुके हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों पहले बात करें नंबर दस से तो तो दोस्तों नंबर दस पर पंजाब किंग्स पहुंच चुकी है पंजाब ने बारह में से केवल चार मैच जीते हैं और वो आठ मैच हार चुकी है उनकी नेट रन रेट माइनस जीरो पॉइंट चार सौ तेईस है और उनके आठ ही पॉइंट है जहां दोस्तों पंजाब के अब यहां से केवल दो मैच बचे हैं और वो दो मैच जीतती है तो फिर बारह पॉइंट तक पहुंचेगी और दोस्तों बारह पॉइंट्स के साथ प्ले में पहुंचना बेहद नामुमकिन है और इस वजह से दोस्तों पंजाब की टीम आई से बाहर हो चुकी है तो दोस्तों नौवे नंबर पर मुंबई इंडियंस है दोस्तों मुंबई ने तेरह मैच खेल लिए हैं जिसमें से वो केवल चार मैच जीती है और वो नौ मैच हार चुकी है जहां उनकी नेट रन रेट माइनस जीरो पॉइंट दो सौ इकहत्तर है और उनके आठ पॉइंट है यानी कि दोस्तों मुंबई की टीम आईपीएल की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है वो अपना आखिरी मुकाबला जीत भी जाती है तो फिर भी वो पॉइंट तक पहुंचेगी और दस पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ में जाना पूरी तरह नामुमकिन है और इस वजह से दोस्तों मुंबई की टीम आईपीएल की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है और दोस्तों पंजाब और मुंबई की टीम आईपीएल की रेस से बाहर हो चुकी है और ये दोनों टीमें आईपीएल की रेस से अब पूरी तरह बाहर हैं। तो दोस्तों इसके बाद नंबर पर गुजरात है।, है, है।, है उनकी नेट रन रेट ही माइनस वन पॉइंट जीरो तिरसठ है और उनके 10 पॉइंट है यानी कि दोस्तों गुजरात की टीम अपने यहां से दो मुकाबले जीतती है तो फिर 14 पॉइंट्स तक पहुंचेगी और दोस्तों चौदह पॉइंट के साथ टीमें प्ले ऑफ तक तो पहुंच सकती है लेकिन दोस्तों फिर बाकी टीमों को बेहद ही खराब प्रदर्शन करना पड़ेगा जैसे लखनऊ दिल्ली और चेन्नई जैसी टीमों को अपने दोनों मुकाबले हारने पड़ेंगे इसके बाद ही गुजरात की टीम प्ले ऑफ तक पहुंच सकती है और दोस्तों आरसीबी को भी अपने दोनों मुकाबले हारने पड़ेंगे तब जाकर ही गुजरात टाइटंस के पास मौका होगा कि वो प्लेऑफ में पहुंच सके ऐसे में दोस्तों गुजरात के यहां से प्लेऑफ में जाने के चांस अभी भी केवल 10 से 20 परसेंट के बीच के हैं तो दोस्तों इसके बाद सातवें नंबर पर बी है दोस्तों आई का एल शुरुआत में अच्छा नहीं रहा था लेकिन पिछले कुछ मैचों से वो लगातार मुकाबले जीतती आ रही है और दोस्तों उनके के चांस है प्ले ऑफ में पहुंचने के अगर दोस्तों आर सी बी में पहुंचती है तो फिर बाकी टीमों को खराब प्रदर्शन करना पड़ेगा जैसे की सी दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ जैसी टीमों को अपने सारे मुकाबले हारने पड़ेंगे तब जाकर ही आर की टीम प्ले तक पहुंच सकती है और दोस्तों आर को अपनी नेट रन रेट में बेहद ही सुधार भी करना पड़ेगा तब जाकर आर सी की टीम प्ले तक पहुंच पाएगी जहाँ दोस्तों आर ने अभी तक 12 मैच खेले हैं जिसमें से वो पांच जीत या सात मैच हार चुकी है और दोस्तों उनकी नेट रन रेट माइनस जीरो पॉइंट दो सौ सत्रह है और दोस्तों उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं यानी कि दोस्तों आर की टीम यहां से अपने दो मुकाबले जीतती है तो फिर वो 14 अंकों तक पहुंच सकती है हालांकि दोस्तों चौदह अंकों के साथ भी प्ले में जाना काफी मुश्किल दिखता है हालांकि आर के भी यहाँ से प्ले में पहुँचने के चांस ना के बराबर दिख रहे हैं जहाँ दोस्तों छठे नंबर पर लखनऊ की टीम आ चुकी है जहां लखनऊ ने छह में से छह मैच जीते हैं छह मैच हारे हैं जहां उनकी नेट रन रेट काफी बेकार हो चुकी है उनकी नेट रन रेट माइनस जीरो पॉइंट सात सौ उनहत्तर हो चुकी है और उनके बारह पॉइंट हो चुके हैं जहां दोस्तों लखनऊ का हाल बिल्कुल करो या मरो की स्थिति पर पहुंच चुका है क्योंकि दोस्तों लखनऊ को अपने दोनों मुकाबले जीतने होंगे तब जाकर वो 16 पॉइंट्स तक पहुंचेगी और दोस्तों उनकी नेट रन रेट भी अब काफी ज्यादा माइनस में चली गई है अब दोस्तों लखनऊ को अपने आने वाले दो मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे जिससे उनकी नेट रन रेट बेहतर हो और दोस्तों उनके प्ले में जाने के चांस ज्यादा हो जाए लेकिन दोस्तों यहाँ से देखते हुए लग रहा है की उनके आगे जाने के चांस अब चालीस के ही रह गए हैं तो दोस्तों इसके बाद पांचवे नंबर पर दिल्ली की टीम है दोस्तों दिल्ली की टीम ने पिछले कुछ मैचों में कमाल का प्रदर्शन करते हुए इस आईपीएल में जबरदस्त वापसी करी है और दोस्तों इस वजह से दिल्ली की टीम ने अब तक इस आईपीएल में 12 मैच खेले हैं जिसमें से वो 6 मैच जीती है 6 मैच हारी है उनकी नेट रन रेट माइनस जीरो पॉइंट तीन सौ सो सोलह है और उनके 12 पॉइंट हो चुके हैं दोस्तों दिल्ली का हाल भी लखनऊ जैसा है लेकिन दिल्ली की नेट रन रेट उनसे अच्छी है इस वजह से दोस्तों दिल्ली के आगे जाने के चांस लखनऊ से थोड़े ज्यादा यानी कि दोस्तों 45 परसेंट के दिख रहे हैं और दोस्तों दिल्ली को भी सेम टू सेम दोनों मुकाबले जीतने होंगे और अपनी नेट रन रेट को बेहतर करना पड़ेगा तब जाकर ही दोस्तों वो प्ले तक पहुंच पाएगी तो दोस्तों इसके बाद चौथे नंबर पर चेन्नई है दोस्तों चेन्नई की शुरुआत आईपीएल में धमाकेदार रही लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जब आईपीएल खत्म होता आ रहा है तो दोस्तों चेन्नई का सफर भी बिल्कुल ढीला होता जा रहा है जहां चेन्नई ने 12 में से 6 मैच जीते हैं 6 मैच हारे हैं उनकी नेट रन रेट प्लस जीरो प्वाइंट चार है जो कि दोस्तों बेहद ही अच्छी है और उनके 12 पॉइंट हो चुके हैं जहां दोस्तों चेन्नई की टीम अभी भी अपने दो मैच जीतती है तो फिर 16 पॉइंट तक पहुंचेगी और दोस्तों उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि उनकी नेट रन रेट अभी भी प्लस में चल रही है और दोस्तों इस वजह से चेन्नई की टीम अपने दोनों मुकाबले जीत जाती है तो फिर दोस्तों वो आराम से अभी भी प्लेऑफ तक पहुंच सकती है लेकिन दोस्तों चेन्नई को अपने दोनों मुकाबले अब किसी भी हालत में जीतने होंगे क्योंकि दोस्तों उनसे पीछे दिल्ली लखनऊ जैसी टीमें पड़ी है क्यूँकी दोस्तों इन तीनों ही टीमों के बारह बारह पॉइंट हो चुके हैं और इन तीनों ही टीमों ने बारह मुकाबले भी खेल लिए हैं यानी की इन तीनों टीमों के अब दो दो मुकाबले बाकी है और अब इन तीन टीमों के बीच ही आईपीएल के प्ले में पहुँचने की जंग है ऐसे में दोस्तों चेन्नई को अब यहाँ से बिल्कुल ही शानदार प्रदर्शन करना पड़ेगा और सभी मैच अपने जीतने होंगे तो दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर पर हैदराबाद पहुंच चुकी है दोस्तों हैदराबाद ने 12 में से सात मैच जीते हैं पांच मैच हारे हैं उनकी नेट रेट पूरी तरह प्लस में आ चुकी है और उनकी नेट रेट प्लस जीरो चार सौ छह हो चुकी है और उनके चौदह पॉइंट हो चुके हैं और दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर पर हैदराबाद है दोस्तों हैदराबाद ने 12 में से सात मैच जीते हैं पांच मैच हारे हैं उनकी नेट रन रेट प्लस जीरो पॉइंट 406 प्लस में चल रही है और उनके 14 पॉइंट हो चुके हैं जहां दोस्तों हैदराबाद की टीम यहां से केवल अपना एक मुकाबला भी जीत जाती है तो फिर दोस्तों उनके प्लेऑफ में जाने के चांस काफी हद तक बढ़ जाएंगे और दोस्तों वैसे भी उनके पास अब दो मुकाबले बाकी हैं और दोस्तों वो दोनों ही मैच जीत जाती है तो फिर दोस्तों वो प्ले में पूरी तरह पहुँचती हुई दिखाई दे सकती है हालांकि दोस्तों इस समय उनके प्ले में जाने के चांस काफी हद तक बढ़ चुके हैं और उनके यहाँ से प्ले में जाने के चांस पूरे के पूरे साठ के दिख रहे हैं तो दोस्तों दूसरे नंबर पर राजस्थान है दोस्तों राजस्थान में 11 में से 8 मैच जीते हैं है, तीन मैच हारे हैं उनकी नेट रनरेट प्लस जीरो पॉइंट चार है 476 है और उनके दोस्तों 16 पॉइंट हो चुके हैं जहाँ दोस्तों राजस्थान की टीम अपने पिछले दो लगातार मैच हार चुकी है जहां वो एक भी मैच जीत जाती है तो वो आराम से प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लेगी हालांकि दोस्तों राजस्थान की टीम के लिए कोई बड़ी सिरदर्दी की बात नहीं है क्योंकि दोस्तों उनके तीन मैच बाकी है तीन में से अगर वो एक भी मैच जीत जाती है तो फिर वो आराम से प्ले में पहुंच जाएगी और दोस्तों वो दूसरे नंबर पर है और उनके दोस्तों प्ले में जाने के चांस यहाँ से अभी भी निन्यानवे के दिख रहे हैं तो दोस्तों इसके बाद पहले नंबर पर केकेआर की टीम है दोस्तों केकेआर ने 12 में से 9 मैच जीते हैं तीन मैच हारे हैं उनकी नेट रन रेट प्लस वन पॉइंट चार प्लस में है और इस आईपीएल की सबसे बेहतर नेट रन रेट उन्हीं की है और दोस्तों उनके 18 पॉइंट हो चुके हैं यानी कि दोस्तों केकेआर की टीम अब किसी भी हालत में प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और दोस्तों केकेआर की टीम इतनी अच्छी नेट रन रेट के साथ अपने आखिरी दो मुकाबले हर भी जाती है तो फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि दोस्तों वो क्वालिफाई कर चुकी है और वो पहले या दूसरे नंबर पर ही फिनिश करने वाली है क्योंकि दोस्तों उनसे जो नीचे टीमें हैं चेन्नई दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ ये अगर अपने आखिरी दो मुकाबले जीत भी जाती हैं तो फिर भी 16 पॉइंट तक पहुंचेंगी और दोस्तों इस वजह से KKR की टीम को ज्यादा खतरा नहीं है दोस्तों दो तो दोस्तो तो दोस्तो राजस्थान की टीम जरूर है जो कि पहले पायदान पर पहुंच सकती है क्योंकि उनके तीन मैच बाकी है और उनके सोलह पॉइंट है लेकिन दोस्तों केके की टीम अब यहाँ से पूरी तरह प्ले में पहुंच चुकी है और अपने आखिरी के दो मैच हार भी जाती है तो फिर भी वो पहले दूसरे नंबर पर रहेगी जिससे उन्हें फाइनल में पहुंचने के पूरे दो मौके मिलने वाले हैं इस वजह से दोस्तों के के लिए प्ले में पहुंचने के साथ साथ फाइनल में पहुंचने के दो मौके मिलेंगे इस वजह से उनको डबल खुशी मिल चुकी है ऐसे में दोस्तों इस आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी आप अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों आप ये बताएं कि के के अलावा अब तीन अलग अलग टीमें कौन सी होने वाली हैं जो कि दोस्तों प्ले में आपस में भिड़ेंगी आप अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट में जरूर बताए